कुलभूषण पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम था, एतराफी बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों से रियायत नहीं होगी। भारतीय नेवी का अफसर कुलभूषण पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ, 3.5 माह मुकदमा चला, कवानीन के मुताबिक सजा सुनाई, 60 दिन तक अपील कर सकता है। किसी मसलक या फिरके के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, वजीर दिफा का सेनेट में बयान। कहा पाकिस्तान एक फिरके फिका या मजहब का नहीं, पाकिस्तानियों का मुल्क है। राहिल शरीफ ने फौजी इत्तेहाद की सरबराही के NOC के लिए अप्लाई नहीं किया, ईरान के तहफ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। मई में सऊदी अरब में इजलास में इत्तेहाद के खदोखाल वाज़े होंगे। कुलभूषण को सजाए मौत सुनाए जाने पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी, पाकिस्तान मुजमिरात पर नजर रखे, सुषमा स्वराज की गीदड़ भपकी। जासूस कुलभूषण को भारत का बेटा करार दे दिया, भारतीय वजीर खारजा का कहना है कि कुलभूषण को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन वकील खड़ा करेंगे। सियासी क़यादत कुलभूषण की सजाए मौत की भरपूर हामी, खुर्शीद शाह कहते हैं जासूसों को ऐसी ही सजाएं मिलती हैं जो कुलभूषण को मिली। जावेद हाशमी का कहना है कुलभूषण को एक बार नहीं 100 बार फांसी देनी चाहिए। रजा रबानी बोले ऐसा कोई केस भारत में हुआ होता तो किसी कानून के बगैर फांसी चढ़ा दिया जाता। कश्मीरियों का एहतजाज रंग ले आया, मोदी हुकूमत ने घुटने टेक दिए, 12 अप्रैल के टोंग इंतखाबात मुलतवी। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला कहते हैं इससे पहले कि देर हो जाए मसला कश्मीर पर भारत को पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए। ECB ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में नासिर जमशेद को चार्जशीट जारी कर दी, जवाब देने के लिए 14 दिन की मोहलत। नासिर जमशेद पर शेक नंबर 2, 4, 6 और 2, 4, 7 के एंटी कोर्ट के चार्ज जायद। एंटी करप्शन यूनिट ने शाहजेब हसन का मामला ट्रिब्यूनल को भेज दिया। गर्मी आ गई, सूरज सताने लगा, कराची में साल का गर्म तरीन दिन, दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, कई इलाकों में बिजली भी बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरज तेवर दिखा रहा है, शदीद धूप में बाहर निकलने से गुरेज करें, माहिरीन का मशवरा। बाजार स्कूल की इमारत कब तामीर होगी, लैंड माफिया को कौन डालेगा लगाम, सरपरस्ती करने वाले पुलिस अहलकारों को कौन करेगा गिरफ्तार, बच्चे दूसरे दिन भी कड़ी धूप में तालीम हासिल करने पर मजबूर, स्कूल गिराने की तहकीकात CTD के सपोर्ट, दूसरी जानिब 2 मुलजिमों की जमानत मंजूर, मुलजिमों ने इमारत की मिल्कियत का दावा भी कर दिया। 4 टांगों वाले नहीं 2 टांगों वाले गधे चीन भेजे जाएं। ANP के सरबरा अस्फंगियार वली खान कहते हैं पुरम अफगानिस्तान के बगैर पुरम पाकिस्तान का तस्वुर मुमकिन नहीं, अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं दोस्ती की जाए। पेशावर की जिला काउंसिल में तहरीक इंसाफ को मेम्बरान पर कमीशन लेने का इल्जाम महंगा पड़ गया, इजलास में शदीद हंगामा आई, PGI रुकन को अल्फाज वापस लेना पड़े, लेकिन कार्रवाई मजीद ना चल सकी और जबरदस्त हंगामे के बाद इजलास को मुलतवी करना पड़ा। फेसबुक पर CSS के जाली पर्चे किसी लड़की ने नहीं लड़के ने लीक किए, जाली पर्चे फेसबुक पर डालने वाला मुल्जिम FIA ने गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के रिहायशी मोहम्मद आरिफ खान ने सादिया कौसर के नाम से फेसबुक पर जाली अकाउंट बनाया, मुल्जिम पेपर के बाद कुछ सवालात फेसबुक पर एडिट करके सवाल डालता था। लाइट अस्पताल फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स पर तशद्दुद करने वाले MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, पुलिस के मुताबिक मामला ऊपर की सतह का है, मुकदमे के अहकामात भी ऊपर से ही आएंगे। दूसरी जाने प्रिंसिपल PMC ने इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी एंटी वायलेंस कमेटी तश्कील दे दी। Classic structure from the west of his bowling. Face of the bat, over the bowlers, off the inning and then... पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा, दोनों टीमें आधे घंटे में मद्दे मुकाबिल होंगी। सरफराज अहमद कप्तान के तौर पर पहली एक रोजा सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म, मैच का नतीजा दोनों टीमों की वर्ल्ड कप में बराह रास्त रसाई के लिए भी अहम, बारिश भी रंग में भंग डाल सकती है।
हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जस्तजू। हम है नाइकी जू, हर राह हमारी जस्तजू। और बाखबर बावसु के बाद हम छुपाते नहीं, छापते हैं कि चर्चे। रोजनामा 92 न्यूज के दूसरे शुमारे का इजरा, अखबार के हुसूल के लिए लंबी कतारें लगी रही। रेलवे स्टेशन पर भी अखबार खरीदने वालों का रश, छोटे बड़े शहरों में भरपूर पसीराई।